तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जैन सब लोग और फुल पावर है सोना चांदी च्यवनप्राश। तो आपको जैसे आपने उस वीडियो में बहुत प्यार दिया चाइनीज मांझा वर्सेस मैदानी मांझा, तो इंडियन मांझे में बेसिकली मैदानी मांझा ही आता है जो ये है। और गाइस आज 13 अगस्त है तो पतंग की सीरीज खत्म होने वाली है, तो ये या मोस्ट प्रोबेबली कल परसों एक दो वीडियो हो रहेगी। तो जैसे कि ये मांझा देख रहे हो आप, ये नॉर्मल मांझा है, पिछले साल का मांझा है और ये प्लास्टिक मांझा कभी ख़राब नहीं होता बारिश में। तो गाइस ये 6 तार मैदानी है जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो। और ये पिछले साल का मांझा है पर मांझा अच्छा है, उड़ाया था इससे भी। ये वाले मांझे सारे अच्छे होते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं वैसे इससे पेच लगा के प्लास्टिक से। तो अभी जो है ये देखो, ये देखो प्लास्टिक। और गाइस ये अभी नया है, ये पुराना है, नया है और ये पुराना है। गाइस ये देखो प्लास्टिक कट रहा है, और जैसे कि आपको उड़ा के भी दिखा दे पहले वाली वीडियो में कि, और आपको दिखा दूंगा गाइस ये कितना हार्मफुल है। मैं आपको हार्मफुल दिखा रहा हूँ गाइस, देख सकते हो। जैसे कि आपने इसने मांझा पकड़ लिया अभी और मैं उधर जाता हूँ थोड़ी दूर, तो गाइस ये हम तोड़ के देखेंगे। और देखो लगा भाई, दम लगा, नहीं सूट रहा ना ओ भाई, हाथ कर दे, लगा दम लगा और दम लगा। तो गाइस देख सकते हो, ये देखो कैसे हाथ में निशान नुशान पड़ गए। और मैं आपको, आप देखो कैसे निशान वगैरह पड़ गए हाथ पे, ये देखो गाइस। और अब मैं आपको सादा मांझा दिखा दूँ, सादा मांझा कैसे अब देख सकते हो। ये भाई ने सादा मांझा पकड़ लिया है, मैदानी मांझा जो होता है मैदानी मांझा। तो गाइस ये देखो, ये वाला मांझा देखो गया, ये देखो ऐसे टूट रहा है ऐसे। तो गाइस ये जो है मांझा, अब ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया बिकॉज ऑफ हम मांझा पतंग उड़ाते हैं तो हमारे पे पतंग कट के चली जाती है, और इस मांझे से पतंग कट ही जाती है ज़्यादातर, तो है इससे काट नहीं सकते तुम, बस ये ऐसी ही है, दिखाने का टूटता नहीं है बस, ये आसमान में कुछ नहीं है इसका। तो ये जो मांझा पतंग कट के जाती है जब गली वगैरह में चली जाती है, कोई स्कूटर वगैरह पे जा रहा होता है उसका गला कट जाता है, नाक कट जाता है। मेरे साथ हो रहा था, खुद इधर एकदम निशान आ गया था पिछले 15 अगस्त पे। तो और ये छत पे रहा था कई बारी, तो इसमें बर्ड्स वगैरह भी फंस जाते हैं, तो इसका ये नुकसान है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाइना का है, तो इसलिए भी एक है एक पॉइंट, बट चाइना ना भी हो तब भी ये प्लास्टिक मांझा हार्मफुल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बर्ड्स वगैरह नुकसान होगा तो पक्षी वगैरह, तो मेरे को ये पसंद नहीं है। तो मैं ये और आपको इससे उड़ा के दिखाता हूँ और दूसरे मान से भी उड़ा के दिखाया तो पतंग। तो यही है आज की वीडियो का टॉपिक, और ये सेकंड पार्ट है चाइना वर्सेस इंडिया। गाइस देखो अब पेचे लग रहे हैं, कौन सा करता देखते हैं बाकी। ओए ओए ओ, तो गाइस देख सकते हो आप वो वाली कट गई, वही देख सकते हो मैदानी मांझे ने काट दिया। तो गाइज आपने देखा जैसे हवा कम है आज, बट तब भी हमने मैदानी मांझा और प्लास्टिक मांझा लगा के दिखाया, और प्लास्टिक मांझा काट दिया, आज भी काट दिया, पहले भी काटा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बट गाइज आज हवा बहुत कम है, 13 अगस्त है और 13 अगस्त को देख सकते हो अब इतनी कम हवा, मज़ा ही नहीं आ रहा, पूरा मूड सा स्पॉइल सा हो गया सच्ची बताऊँ तो मैं। बट कोई नहीं, सोना चांदी च्यवनप्राश फुल पावर है, हैं तो तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहे। और हाँ गाइज हो सके तो जितना भी मांझा नहीं खाली चाइनीज़ प्रोडक्ट जितना भी है जितना सारा बॉयकॉट करो, कुछ पतलो चाइना से, आप उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी दी हमें तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा ऊपर लेगा कोई दिक्कत नहीं गाइस लगा देंगे, बट स्टिल अब नहीं लेना, बट चाइना का कुछ नहीं लेना, सब कुछ इंडियन यूज़ करेंगे हम। तो चलो लेट्स अब ख़त्म करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये देखो प्लास्टिक मांझा कितना वो। तो ठीक है गाइस, ओके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।